से कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा करे हाँ। और बरस को बरस इन्हें मेंटेनेंस करते हैं, इसका 40-50 हजार रुपए मेंटेनेंस आता है और तोड़ के और कंपटीशन जिधर भी रहा तो नया बनाते हैं और तोड़ के। क्या क्या सहूलत है रिक्शा में? रिक्शा में कूलर है, फोन सिस्टम है, स्क्रीन है और टिश्यू पेपर है हाँ। जो भी मंगता है वो पैसेंजर को सब मिलता है। क्या नाम? कूलर है रिजवान, 2680 रिक्शा, न्यू गांधी नगर बेलगाम। तीन साढ़े तीन लाख का कार है निको? नेहरू नगर। ये ओपन रिक्शा करने का आइडिया कैसे, क्या ऐसा आइडिया आया, शौक आया बनाया? क्या नाम है? मलिक। कहाँ रहने को? सदाशिव नगर। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है, मतलब क्या है, यहाँ पे आप गाड़ी में आपको टिश्यू पेपर मिलेगा, मेडिसिन बॉक्स मिलेगा और कस्टमर के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है। गाड़ी में तो मेन जो पॉइंट है आपने अभी तक देखा नहीं है बेलगाम में या फिर इधर भी, ये गाड़ी में मेन जो पॉइंट है वो है टायर, मतलब टायर जो है 6 टायर के ऊपर चलने वाली गाड़ी है। ऑटो अभी तक आपने देखा होगा ट्रक चलती है, लेकिन ऑटो पहली बार आप देख रहे होंगे कि 6 टायर पर चलने वाली ऑटो ही है। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे बहुत बड़ा अल्लाह का करम है और शुक्र है, और मैं ये जो गाड़ी बनाया अपने मेहनत के पैसों ने बनाया, 1-1 रुपये जोड़ के, और जो भी गाड़ी में बनाया कस्टमर खुश होने के लिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि बेलगाम का नाम ना खराब हो, इसके लिए मैं गाड़ी तैयार किया हूँ। बस अपनी सुख के लिए नहीं बनाया, रिजनेबल रेट है, जो भी है कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहता हूँ, और डिलीवरी पेशेंट को फ्री है, हैंडीकैप पेशेंट को फ्री है, जो भी किया हूँ अपनी मेहनत से किया हूँ। बस मैं आज़ाद नगर थर्ड क्रॉस से हूँ और मेरा नाम अब्दुल्ला रियाज अहमद शिगेली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोल्हापुर से हूँ, मेरा नाम अल्ताफ कमरुद्दीन शेख है। मेरी रिक्शा इधर कंपटीशन को मुझे बुलाई थे, को मैं अपन रिक्शा ले, हमारे भाग के रिक्शा ले को इधर आया था, फिर यहाँ ऐसा जो एक माहौल शांत था,
फिर मैं बोले यहाँ के कार्यकर्ताओं को बोले थोड़ा माहौल बनाएंगे, फिर वो गाड़ी उन्होंने यहाँ के हजरत अति अच्छे जाएँ, उनका नाम नहीं मालूम मुझे, मगर उन्होंने गाड़ी लेकर आए, फिर यहाँ के मैं स्टंट कराया, फिर यहाँ के लोग अच्छे अच्छे स्टंट करते हैं, हुए पर हमें कैसा देख देख को सीखे सो स्टंट आई, हम ना कौन सिखाई सो नहीं, वैसा कॉम्पिटिशन को जाने का, देखने का, सीखने का, ये सीखने के बदल सब मिलते हैं हमने। यहाँ ऑटो रिक्शा डेकोरेशन कंपटीशन मुकाबले के लिए यहाँ पर राजू खतीब साहब भी महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ कोल्हापुर से। सर, या इससे पहले भी आपने कितने मुकाबलों में शिरकत फरमाई है और ये आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं तो इसके पीछे वजह बताइए। मैं 10 जगह नंबर लेके आया हूँ ऑटो का, और वो दूसरा साल है मेरा बेलगाम का आने के लिए। अच्छा। वहाँ बेलगाम का जो कॉड है रिक्शा वालों का सबसे अच्छा है, इतना मैं पुणे मुंबई परत लिप्पानी संकेश्वर वहाँ पे कंपटीशन में भाग लिया, पर जैसा बेलगाम में रिस्पेक्ट मिलती है वैसा कोई कहा भी नहीं मिलती, और इस टाइम मैं नया ऑटो करके लाया हूँ। ये कि जो इस तरह का शौक़ कहते हैं कि इस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, कार खरीदी जाती है, लेकिन आप ऑटो रिक्शा पर खर्चा करते हैं, ये किस तरह का शौक़ है? वो पहले से बिजनेस है, पापा के साथ में से बिजनेस है, इसलिए पहले शौक है। वो गाड़ी को चेक 4 लाख रुपए खर्च किया है अब तक, और वो गाड़ी में कोल्हापुर में जैसा अभी डेकोरेशन किया है वैसा पैसेंजर को सुविधा लेते, पहला सीसीटीवी कैमरा है उसमें फर्स्ट टाइप, उसमें मॉडिफाई ऐसा किया है कि सस्पेंस बहुत ही अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट बॉक्स है, कॉफ़ी का मशीन है, पर छोटा फ्रिज है, मोबाइल है, पर दो रिमोट पर गाड़ी चालू होती है बंद होती है, सब इलेक्ट्रॉनिक जितना पार्ट है वो गाड़ी को बटा दिया है। आप जो है शिवाजी महाराज की तस्वीर भी लगाए हैं, वो कैसा है? हमारे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी भक्त है ना, शिव, इसलिए पहले से हम शिव भक्त हैं। एक तरह से ये भी एक हिंदू मुस्लिम एकता का आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए ये एक सबक है, तमाचा है, जो बात बात पर जो है जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं, हिंदू मुसलमानों के अंदर तफरका करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिक्शा ड्राइवर बिरादरी ऐसी है जो इस पूरे मुल्क को एक थाली में सजाकर जिस तरह से रखा जाता है मुत्तहिद होकर, वो उन्होंने दिखाया है। शिवाजी महाराज की यहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है और ये सामने हर रोज़ उनके साथ ये शिवाजी महाराज की तस्वीर भी रोज़ाना उनके साथ रहती है। ये खतीब है, ये मुसलमान होने के बावजूद भी इस तरह का उन्होंने काम जो अंजाम दिया है वाकई ये सराहनीय है और इसे सराहना चाहिए। ये शिंदे जो है नाम इसलिए का मखसूस है क्योंकि जब चाय वाला पीएम बन सकता है तो रिक्शा ड्राइवर वाला भी सीएम बन सकता है, आपके यहाँ पर सीएम बन चुका है क्योंकि शिंदे एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बने हुए हैं, तो यहाँ एक और शिंदे हैं। तो बताइए आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं, तुम मराठी मध्ये बोलू शकता? बोलो। आपण गाडीवर किल्ल्याचं हे केलेलं आहे, आपल्या इकडे सगळ्यात जुनी संस्कृतीचं आहे किल्ला आहे, आतमध्ये फॅसिलिटी आहेत भरपूर कस्टमरांसाठी, महाराजांची मूर्ती आहे, मागे किल्ल्याचा सेटअप केलेला आहे, अशा बऱ्याच गोष्टी केलेल्या आहेत। किती खर्च केला? 4 लाख रुपये 4 लाख रुपये खर्च केलेला आहे। स्त्री अपंग व्यक्ती को मोफत अच्छा सुविधा दिली जाते, वो भी दिखा। महाराष्ट्र और कर्नाटक की रियासती सतह पर जो मुकाबले हुए हैं वहाँ पर उन्होंने कामयाबी हासिल की हुई है, कई सारी जगह पर वो उन्होंने जीत भी दर्ज की हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का है, इनकी 4 लाख रुपए एक कार खरीदी जा सकती है लेकिन उन्होंने ऑटो रिक्शा पर इसे खर्च किया हुआ है। अविनाश दिंडे, वो भी इन्होंने इस मुकाबले में अपनी शिरकत फरमाई है, दर्ज की है, उनके भी ऑटो है। सर, यह ऑटो वरती किती खर्च केला तू? मी सुमारे 1 लाखपर्यंत याला खर्च केलेला आहे। मी खर्च करताना पहिल्यांदा पॅसेंजरचा विचार केला, आरटीओचा विचार केला, माझ्या ड्रायव्हिंगसाठी मला काय सुटेबल होईल याचा विचार केला। करताना मी बाहेर गावाला म्हणजे आमच्या इथे कोल्हापुरामध्ये दिवसभर टुरिस्टसाठी गाडी लागते, सकाळी 9:30 ते 4:30 दरम्यान,
त्यामुळे मी पहिल्यांदा प्रथम जे बाहेरनं येणारे कस्टमर असतात त्यांच्यासाठी मी फॅसिलिटी उपलब्ध केल्या. त्या फॅसिलिटी म्हणजे काय, माझ्या गाडीमध्ये एक फोन ठेवला मी, त्यांचा फोन जर डिस्कनेक्ट झाला तर माझा फोनवर त्यांनी वापरायला पाहिजे. त्यानंतर लहान बाळ असतं त्यांना एनर्जी ड्रिंक वगैरे लागते, कारण ते बाहेर गावावरून आलेले असतात, त्यांना पूर्णपणे ते पोरं कोलॅक्स झालेले असतात, दुर्लक्ष होतं त्यांची म्हणजे त्यांची बाळांचे जे आई वगैरे असतात ते पण त्याच्यामध्ये जरासं हे झालेलं असतं बाहेरून आल्यामुळं, दिवसभर ते आमच्याबरोबर फिरत असतात. म्हणून मी एक तिथं एनर्जी ड्रिंकसाठी एक बाटली ठेवलेली आहे, त्या बाटलीमध्ये मी एनर्जी ड्रिंक पण ठेवलेलं आहे. मी कॉमन मॅन कोल्हापूरचा आहे, म्हणजे एका संघटनेचा जिल्हाध्यक्ष आहे. मी माझ्या मला बक्षीस मिळून देईल नाही मिळून देईल, मी कशासाठी आलेलो आहे की प्रत्येक माणसानं एक झाड लावावं, एक झाड जगवावं आणि त्या प्राण्यासनी पण जगवावं. बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत पैगाम, बड़ा पैगाम दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि जिस रिक्शा बिरादरी को लोग बिल्कुल एक आखिरी दर्जे में देखा करते हैं, लेकिन किस तरह का एक पैगाम और रिक्शा में वो बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक तक रखते हैं कि कहां तक वो आवाम का ख्याल रखते हैं. लिहाजा रिक्शा ड्राइवरों की ये जितना भी आपने किया हुआ है, आप जितने भी कोल्हापुर से आए, फिर बेलगाम के भी जितने भी, वाकई आप लोगों ने आम आवाम के सामने जो अपनी बातें रखी है उससे वाकई इज्जत आपकी हमारी नज़रों में बढ़ चुकी है. जब कोई गिरार गाड़ी में बैठता है उसके साथ आप कैसे बर्ताव करते हो, कैसे उसके साथ बात करते हो और कैसे उसे अपनी उसकी मंजिल तक आराम से पहुंचाते हो, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है. उसका अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छी तरह से उसको लेके जाके उसका सफ़र मुकम्मल करके उसकी मंजिल तक जब पहुँचाएंगे तो बहुत खुश होगा और आगे आपको याद करेगा कि ऐसा इंसान मिला था मेरे को कि मैं इतने आसानी से लेके आया. मैं अभी तक दो रोज बैठे की बात बता रहा था आपको,
बाहर से आना था मैं कांग्रेस रोड पे अकेला ही था, गाड़ी बंद पड़ गई रात के 12:30 बजे, कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई उसके बाद ड्राइवर को तकलीफ देना, उसको उठाना है, बुलाने के आना, उसमें एक दोस्त मिला तो बोले चल रहा मैं उनको रिक्शा स्टैंड पर छोड़ दूँगा। तो देखते देखते कांग्रेस रोड से छन्ना माता एक बुजुर्ग खड़े थे, आराम से मेरे घर तक पहुँचा है, घर पर बात करते गए, हालत है कैसे है क्या है, एक बच्चे कहाँ है, कौन कहाँ है, बेटी टेंथ में सीख रही है, बेटा एट्थ में सीख रहा है, अच्छा लगता है, कुछ अपनापन भी लगता है, उनको भी अपनापन लगता है, हमारा भी अपनापन लगता है। तो जब उतरा तो पूछा मैं कैसे क्यों है, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो हमारे साथ, आपसे मैं पैसे नहीं देती, थोड़ा बात है अच्छी की और आप भी मेरे साथ अच्छी की, आप भी इतनी अच्छी तरह से बात किए कि मेरे को भी पता नहीं चला कि मेरा सफर कभी खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इत्तेहादून में आप सभी का खैर मकदम। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े सियासतदान, बड़े कारोबारी, बड़े रसूख वाले लोगों का इंटरव्यू अक्सर न्यूज़ चैनलों में किया जाता है, लेकिन एक वो बिरादरी है जो रिक्शा वाली बिरादरी, ये तो आम लोगों के काम भी आती है, आम लोगों के दरमियान भी रहती है, उनके खिदमात भी अंजाम देती है, लेकिन वो कहीं तो भी नज़रों से ओझल रहती है। बाज़ वक़्त ये देखा जाता है कि कई रिक्शा ड्राइवरों ने ईमानदारी से जो पैसेंजर गाड़ी में गहने या पैसे रुपये छोड़कर जाते हैं तो वो वापस लौटाए भी जाते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त
कई बार ये कंप्लेंट भी आती है कि रिक्शा ड्राइवर बड़े एरोगेंट रहते हैं, घमंडी किस्म के रहते हैं, किराया ज़्यादा लेते हैं, नाइट में जब जाते हैं तो दुगना तिगना किराया वसूल करते हैं, और बाज़ वक़्त अगर बाहर के पैसेंजर्स अगर बेलगाम में आते हैं या शहर में दूसरी जगह पर, पूरे मुल्की सतह पर देखा जाता है इस तरह का मामला, तो करीब में ही वो जगह रहती है लेकिन घुमा फिरा कर लेकर जाते हैं, इस तरह के भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आप तमाम इन बातों पर आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जो भी आवाम ये इंटरव्यू देख रही है, हमारे जो इत्तेहाद न्यूज़ वाले हैं, एक अच्छा क्वेश्चन किए हैं। हर बार हम पर आरोप ही लगाया जाता है, चाहे वो किसी मीडिया के ज़रिए हो, चाहे किसी आवाम के ज़रिए हो। हमारी बातों को, हमारी परेशानियों को रखना बहुत कम जगह पर है। अगर ऑटो ड्राइवर बुरा होता तो शायद ही बेलगाम में अभी तक किसी भी किस्म का, चाहे किसी और बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अंदर बलात्कार होता हो, पैसेंजरों को लूटना होता हो, ऐसी एक भी घटना जो है वो बेलगाम के अंदर आज तक कभी आई नहीं है, और इंशाल्लाह इसके आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि बेलगाम के ऑटो ड्राइवर समझदार हैं। रहा सवाल कहीं घुमा के ले जाने का और पैसेंजर से किराया ज़्यादा लेने का, ये सिर्फ एक है। शायद थोड़े ड्राइवर ऐसे होंगे भी, मैं हमारी बिरादरी के वस्त्र जो ऑटो कम्युनिटी है उसके वस्त्र मैं वन साइड की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शहरी पहले हूँ, ऑटो ड्राइवर बाद में हूँ, ऐसे कुछ लोग होंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाहे तो आरटीओ डिपार्टमेंट में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, बेलगाम में तकरीबन 10,000 ऑटो चल रही हैं, लेकिन कंप्लेंट जो है उमूमन वो ज़ीरो के हिसाब से रहती हैं। 10,000 ऑटो के अंदर अगर कंप्लेंट ज़ीरो के हिसाब से हैं तो बेलगाम के ऑटो ड्राइवर्स की तारीफ़ करनी ज़रूरी है। हम लोग सुबह उठते हैं, गाड़ियों में बच्चों को ले जाते हैं, सुबह बीमार रहने दो, कोई किसी की मौत मट्टी हो, हम सुबह उठकर बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, इमरजेंसी सर्विस देते हैं, हैंडीकैप्ड पेशेंट के लिए सर्विस फ्री रहती है, डिलीवरी सर्विस फ्री रहती है, जहां पर कहीं एम्बुलेंस नहीं जाती वहां पर भी रिक्शा वाला जाके पेशेंटों की हेल्प करता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो ये जितने भी मेरे ऑटो ड्राइवर्स देख रहे हैं, पब्लिक की एक कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को हमें कबूल करना होगा और अपने दिलों में झांकना होगा कि जैसे बेलगाम की इज्जत बाकी है, आने वाले वक्त में भी ऑटो ड्राइवर्स के फील्ड की इज्जत बाकी रहे। जैसा उमूमन हमने देखा है कि टीवी चैनल्स, टीवी न्यूज़ पर फैशन शो हुआ करते हैं, इनकी बड़े रसूख वाले लोग ही अक्सर उस तरह के प्रोग्राम्स करें, लेकिन कहते हैं कि आज रिक्शा ड्राइवरों ने ये भी साबित किया है कि खुशी अगर ढूंढना चाहे तो किसी भी चीज़ में ढूंढी जा सकती है। यहाँ पर एक तरह से रिक्शाओं का फैशन शो है और इसी को यहाँ पर इन्होंने मुनक्कत किया गया है। सर ऑटो रिक्शा में जो पब्लिक बढ़ती है वो पैसे वाली नहीं रहती सर, मिडिल क्लास रहती है। अभी आप टैक्सी लाइन में जाएंगे, बस सर्विस में जाएंगे तो आपको एक से एक कंडीशन फैसिलिटी वाली, एयर कंडीशन टैक्सी वगैरह, लग्जरी बसेस प्रोवाइड होती है। तो कुछ हमारे ऑटो ड्राइवर्स भाई हैं जो आवाम की परेशानी को समझकर, जो आप पर बीतती है कि हम लोग अच्छी सर्विस में प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम मिडिल क्लास लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। इस हिसाब से इस ऑटो रिक्शा के अंदर जितने भी यहां पर लगी हैं, इसके अंदर एक पैसेंजर के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद है सर, फ्रिज है, एसी है। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है, तैयार होने के लिए घर से कंघई वगैरह नहीं किया हो तो मेकअप सेट, कंघई, मतलब आप गाड़ी का मुआयना कर सकते हैं। लग्जरी से लग्जरी सर्विस वही मिनिमम चार्ज में प्रोवाइड की जा रही है। बाज़ रिक्शा ड्राइवर, सभी नहीं है, बाज़ रिक्शा ड्राइवर एक कट मार कर जाने की एक आदत है, जाते जाते किसी को गिरा कर जाना, फिर जो है गाड़ी रिक्शा घुमाने के बाद वो झांक कर देखता है, तब तक तो कोई गिरा हुआ रहता है। इतनी जल्दबाजी जाने की रिक्शा ड्राइवरों को कहाँ रहती है, कहाँ जाना रहता है? सर हम जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं सर, हमारे रिक्शा में जो पैसेंजर बैठता है सर, किसी की ट्रेन का वक्त हुआ रहता है, किसी की स्कूल का वक्त, किसी की कोर्ट को तारीख के लिए जाना है, किसी को हॉस्पिटल, नहीं गिरा कर जाना ये गलत चीज़ है सर, गिरा कर जाना ये चीज़ गलत है। अगर कोई ऑटो ड्राइवर ऐसे गिरा कर जाता है तो देखिए हम दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन आवाम की नज़र में हो या सरकार की नज़र में हो, गलत हम ही हैं। हाँ ये चीज़ है कि किसी की मदद करने के लिए जाकर किसी को गिराकर और पेशेंट बनाना, ये चीज़ गलत है। पहले अगर हम एक ज़माने से देखते आए हैं कि रिक्शा एक बहुत अहम आवाम के दरमियान में रिश्ते जोड़ने का एक अहम ज़रिया है किसी भी मामले में, जैसा आपने कहा कि बच्चों को सुबह
ऑटो रिक्शा में बिठा कर ही स्कूल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कहीं तो भी जो पहले मुत्तहिद हुआ करते थे आवाज़, क्योंकि हमने बारहा देखा है कि यहाँ यह हमारे भारत मुल्क में तो करोड़ों रुपए का चूना लगा कर जाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन कारोबारी हैं, वो मल्या, वो फिर मल्या से अड़ानी तक अब तक का, लेकिन सवाल रिक्शा ड्राइवर से ही पूछा जाता है, जबकि उसकी पूरी ज़िंदगी तीन पहियों पर गुजरती रहती है। और जो मुत्तहिद जो पहले हुआ करती थी, मान लो कि एक रिक्शा ड्राइवर पर जुल्म ज्यादती होती है तो पूरा यानी कि पूरा शहर बंद हुआ करता था, लेकिन अब गिरोह देखे जाते हैं। और यहाँ तक कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम का जहर भी इसमें दाखिल हो चुका है, हम माने ना माने, क्योंकि शिवसेना आई, फिर रामसेना आई, फिर इस तरह से कई सारे, क्योंकि ये रिक्शा ड्राइवर एक वाहिद एक ऐसी कौम थी जिसमें ये तफरका नहीं था, लेकिन आ गया। तो इसके पीछे क्या वजह होगी कि जिस तरह से जो है अख्तलाफात देखे जाते हैं और कुछ जुल्म होता है तो तमाम आकर नहीं रुकते? सर, जो रिक्शा एसोसिएशन के लीडर्स हैं ये उनकी गलतियाँ हैं, शायद उनमें मैं भी एक लीडर हूँ, ये गलती में मैं भी आ जाता हूँ। क्योंकि आज जो काम होता है सर, रिक्शा ड्राइवरों को मद्देनज़र रखते हुए वो काम नहीं होता, चाहे वो कोई भी लीडर हो। इसमें सर गलती जो है वो हम ऑटो ड्राइवर्स की गलती है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर्स किसी मुद्दे के ऊपर अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते सर। बहुत सी स्कीम है, अब देखो सर, वी आर द ओनली वोटर्स, हम सरकार के लिए सिर्फ एक वोटर्स हैं। हमारी जो परेशानियाँ हैं, कोई सरकार चाहे वो किसी की भी सरकार हो, आज तक हमारी परेशानियों पर कोई किसी ने भी फिक्र गौर नहीं किया। और इसमें गलतियाँ सिर्फ हम ऑटो ड्राइवर्स के सर, क्योंकि हम नेता तो चुनते हैं लेकिन अच्छा नेता नहीं चुनते सर। पहले जो स्ट्राइक होते थे, बंद होता था, पूरे ऑटो ड्राइवर सर एक थे, एक यूनियन काम करती थी, जनरल एसोसिएशन। अब बहुत सी यूनियन हो गई, मैं भी एक यूनियन बनाया हूँ, तो हमारा काम है कि सभी यूनियन बंद करके सिर्फ एक एसोसिएशन बना के बेलगाम के तमाम ऑटो ड्राइवर्स एक हो जाएंगे तो हमारी डिमांड, हमारी मांगें पूरी होंगी। हमारे नुकसान के जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरों पर उंगलियाँ उठाने का कुछ भी मतलब नहीं।